भगवान कन्हैया के सामने अर्जुन रोते गए, प्रभु का करिया फर कई बाया बोल नाया रहे दिन की बात है। बड़े भैया आप सबके सामने बताए ना कि सिर्फ पांचों भाई अभी भी बताए कि जो कुछ लड़ाई हुई तीन चीज से हुई। हमारे बड़े भैया बहुत पहले गा गए कि जर या जमीन जोरू झगड़ा के जरिया झगड़िया तीनों लोक में यही भैया बताए मारा गया है। लेकिन भगवान कन्हैया कहा अर्जुन क्या बात है, कहा प्रभु मेरा आंख फरक रहा है, हमरे समझ नहीं आ रहा। हाँ भैया कहरा लाम बंदी जंगीरा जब गावन तो गवैयन के खोपड़ी खराब होई। अब भैया रे गाँव है तो कैसे गाँव है, अब तो लड़कियन के साथ है, लड़का जैसे गावत है वैसे भैया रे समय काटत है। लेकिन भैया सब यही कहा, भैया आप अपने रहते रहते अपने जब तक इस कार्यक्रम रहें तब तक लोगों के बीच बताए कि अधर क्या है, ककेहरा क्या है, बंदिश क्या है, लाम क्या है, जंजीरा है। भैया रे गाँव अठे कि खाई जाए सारी कर हमारे बड़े भैया आज 25 साल पहले गाते थे बहुत अच्छे ढंग से।
और क्या गावें क्षमा की है, हम यहाँ गावे ना ही है, यहाँ पर एक भैया के दर्शन के अभिलाषा रहा, यहाँ समय ज्यादा हमने हमारे अध्यक्ष के लल भैया कहना बा, क्योंकि ऐसे महान पुरुष जल्दी दर्शन नहीं मिलत। और देखा हमरे अभरा सागर भैया के बहु गाँव थी कि जब जब भक्त पे बड़ा जब रजाई जद मिल लिया दुका जिंदा मिया पिया जहर जहर से अमृत है झंझट में सरिया नहीं जादू वीर दहिया हो गई अरे तेरा सुन के न देखा तेरा सुन के न देखा टूटे डाले जाते बाल बहुते लाडी के बाबू समय नहीं है बात की बात। बड़े भैया गाते थे जो हमारे इलाहाबाद की धरती पर जब तक हमारे स्वर्गीय गुरु जी जुगनू या हैदर अली जी रहते थे तब गावत रहे दोस्त बाबू जब हाँ आगे भगवान कन्हैया समय ने बड़ा पूजा ज्यादा बढ़िया हम जानते ना भगवान कन्हैया से अर्जुन बोले अर्जुन आए देखे आए जब द्वारे अर्जुन तर तबई शोक तुम्हारी माता भाई के भैया काला भाई धलवारी रामुरानी बल में कावल होई गाया का दिन जो मारा गया था अभिमन्यु बाबूजी सभी घर के लोग भीम धर्मराज नकुल सहदेव मुंह में दबाए के मुंह रोवतन क्या बात है। लेकिन भगवान कन्हैया को जब मालूम था सारी बात भीम रो रो के बता दिए तो भगवान कन्हैया कहा अर्जुन क्या हो गया संजय यादव अवस्थापुर के धरती से भैया की तरफ से 51 रुपया नमस्ते भैया से। अर्जुन कहे कन्हैया मैं नहीं जूंगा कहे क्यों हमारा ललना चल देखावा हो बाबा दिया हमारा अभिमन्यु कहा है मुझे दिखाओ क्षमा के समय का भाव है। भगवान अर्जुन को लेकर के भगवान का दिया बहुत बताए हे केशव अभिमन्यु 16 साल के लिए ही आप मांगे थे 16 साल के लिए आया और गया कहा नहीं मुझे दिखाओ के आप कोषाध्यक्ष साहब
श्री रवि नागर सहारा कंपनी के तरफ से 100 रुपया एक सुंदर पुष्पहार। आप मंगला प्रसाद ग्राम भटकार से भैया की तरफ से 201 रुपया एक सुंदर पुष्पहार। नमस्ते भैया से गुजार भैया वार्ता में समय ले। ए बाबू भगवान कन्हैया चंद्रलोक ले गए, चंद्रलोक गए जहाँ पर अभिमन्यु को भगवान कन्हैया दिखाए, लेकिन अभिमन्यु जब अभिमन्यु को देख करके अर्जुन दौड़े कि बेटा अभिमन्यु, उस समय मनु डांट दिया कहे कौन, कहा रे बेटा अभिमन्यु मैं तेरा पिता का है, न तू मेरा पिता न मैं तेरा बाप, न तू मेरा पिता न मैं तेरा बेटा, कोई किसी का नहीं, बाप बेटा उल्टा पलटा हो, कभी आप बाप थे हम हैं, हम हैं आप हैं, उल्टा पलटी होता था। ए बाबू इसी तरीके से भगवान कन्हैया वापस आए, प्रतिज्ञा कर लिए काल सूर्य अस्त्र अगर हो जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो मैं स्वतः जल जाऊंगा। लेकिन दोस्त जयद्रथ के माता पिता का आशीर्वाद तक जयद्रथ कब मरेगा, जब तक उसके माता पिता का तपस्या नहीं खंडित होगा। उसी तरीके से भगवान कन्हैया माया रचे चक्र, सारी माया रच के चिता पर बैठे, सूर्य डूब गया, भगवान कन्हैया चक्र से दुर्योधन का जयद्रथ का चक्र से जब सूर ढक लिए, भगवान अर्जुन भैया भैया शांति का परिचय। ए भैया जयद्रथ मारा गया, इसी तरीके से 14 दिन 15 दिन 16 दिन 17 दिन 18 दिन तक, 18वें दिन की बात, लड़ाई के दौरान महाभारत के बीच दुर्योधन की सेना सारी मारी गई। बात कम बढ़ाते हुए आगे ले चल रहे हैं क्योंकि समय का अभाव है, कमेटी अध्यक्ष के आदेश बा। इधर पांचों भाई कुरपत दुर्योधन सरोवर के अंदर जा करके छिप गया, जब पांचों भाई अर्जुन भीम नकुल सहदेव माता कुंती के पास जाते हैं, कहा माँ मेरी बाँ पूजिए, हम विजयी हो गए हैं। क्या विजयी? हाँ बेटे, बताओ कौन मारा दुर्योधन को? कहा माँ देखिए तर्जबा, जब से जिला पंचायत सदस्य आपकी तरफ से 100 रुपया पुजारी भैया का थोड़ा नीचे कर लो थे। बांधवा ताहिरपुर से भैया की तरफ से 100 रुपये नमस्ते भैया। बड़का भैया मुन्ना वर्मा ग्राम प्रधान प्रत्याशी शिवैया के धरती से 51 रुपया। पुजारी भैया
मैं थोड़ा ऊपर कहता हूँ, तू ज्यादा सुन नहीं पाता। हाँ हल्का हल्का बस। ए बाबू, पांचों भाई पहुंचे। कुंती कहा, बेटा एक बात बताओ, दुर्योधन कौन मारा? पांचों भाई पूछे लागे, पांचों भाई कहाँ लागे, भाई के समान भाई मर गई पूजा। कुंती कहा, क्यों? कहा, मैंने दुर्योधन की सेना सारी मार करके आपके पास आया हूँ, इसलिए मैं विजयी हो गया। मेरी बाह पूजिए। क्या कहते अंतरे में? भैया छोट अच्छा लिखा, साफ लिखा, उल्टा पड़ी थी। नौटंकी मास्टर कुल्ले भैया मलाइट लग धरती से नमस्ते भैया से। माई मोर काई दे तू, माई मोर काई दे तू, कहके पूजा नावा, बोलो 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 पंचायत सदस्य बसपा से महेंद्र नेता की तरफ से 101 रुपया नमस्ते भैया से। बड़का भैया छतनाक तालाब के धरती से राजकुमार यादव की तरफ से 101 रुपया नमस्ते भैया से। कुंती कहा, बेटा बोला बेला बेटा बोला 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 बेटा कावन मारा तू के तरफ से, पम्बम यादव के तरफ से, हमारे जंग बहादुर यादव के बड़े भाई की तरफ से 100 रुपया नमस्ते भैया से। ए बुजार भैया, कुंती माँ बोली, बेटा बताओ दुर्योधन को कौन मारा? इतना ही बतिया सुनकर के पांचों भाई चुप हो गए। कहा, बेटा बताओ दुर्योधन कौन बतिया? विराग जोड़ी भाव समय बढ़ता नीरज यादव के तरफ से के भाई सुरेश नेता जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी आपके सब सपोर्टर हैं भैया की तरफ से 100 रुपया नमस्ते भैया से। हाय या हे राम कुटिल हो मैया मारे मेहना, हो राम कुटिल हो मैया मारे मेहना, अरे पाया केवल विजय, केवल विजय जो न मारा मुतैया कुटिल हो मैया मारे मेहना, पाया केवल विजय जो न मारा मुतैया कुटिल हो मैया मारे मेहना।
समान बचो भाई के जलाई बदान भी बली तब को न बोले सब नरवायर मनमोहन कहे कन्हैया चलू खोजने साथ चलो जब पाँच जा भैया भगवान कन्हैया ऊपर दोष लगाए कन्हैया बताओ दुर्योधन मारा गया कि नहीं मारा गया। भगवान कन्हैया कहा मुझे कुछ नहीं मालूम कहा चल करके पता लगाया जाए। दयाराम महाराज स्वर्गीय दयाराम महाराज बरवा निवासी कभी कभी गाते थे का गावा क्या रे राम उठाई सारा यार अर्जुन क्या बात है हाय अरे उठाई सारा यार अरे उठाई सारा यार अर्जुन पांचों भाइयों के साथ चल पड़े दुर्योधन की लाल ढूंढने के लिए। क्या होता है मानवा में सोचे लागे सुनी ला मुरारी खोजत ब्यास सरोवर आए जहां पर चमन खिला दिख होई के निराश बैठे पांचों बलदैया कुटिल हो मैया। ए बाबू भगवान कन्हैया सबको लेकर के ब्यास सरोवर किनारे आए कहा भीम हाँ भैया आपका दुश्मन दुर्योधन इसी के सरोवर के अंदर छिपा है क्या कहा थी आप हमारे चाचा जी श्री सुरेश यादव आर्मी भटकार के धरती से 101 रुपया आशीर्वाद करो बोलो शंकर भगवान की या या। क्या कहते हैं पापड़ में अरे भी मैं यही बचपा तेरा दुश्मन हवा का राजा लेना अरे भी मैं यही बचपा तेरा दुश्मन हवा का राजा लेना अलगे बतावे जा तो गेला ललवा का राजा लेना भैया इसी सुर में कहा कैसे निकलेगा कहा तुहाई कसी के बोली बोला भीम बलकारी हो अब तुहारी बोली सुनी के लागे राजा के कारी हो अरे भीम की रे बलवारी के चरण वा कर चलना अलग बतावे भगवान कन्हैया के बात सुन करके दुर्योधन ले डींग देते हैं क्या क्या भाव है भैया राधे
श्याम के भाव में। बड़का भैया आप श्री प्रदीप सहारा चमनगंज से एक सुंदर पुष्पहार 100 रुपये के पुरस्कार भैया से बार बार नमस्ते। क्या कहना है? अरे ये कपटी कुचाल सारा परिवार को जिझाकर ब्याह सरोवर के अंदर छिपे हो। अरे बेकूफ, मैंने तुझसे केवल 5 गांव मांगा था। कौन गांव? 5 गांव, इंद्रप्रस्थ, तिलप्रस्थ, हस्तीपुर, वरुणायागर, वाराणसी। अगर यही 5 गांव दे दिए होते तो इतनी बड़ी जुझ न होता, नया सरोवर के अंदर अब तुम बैठे रहते। अरे खींचू का धर कर के स्तरी डालता है इस जिद कानी में। परिवार नात रिश्तेदार जुझवा कर सरोवर के अंदर छिपे हो। सुनी बात जब भीम सेन की, सुनी बात जब भीम सेन की, कुरपति के फाटल बाबू, आप के सामने खड़े हमारे कवि जी श्री राम सुदत्त पपिहा जी, ये नहीं कि आशीर्वाद या कि थोड़ा बस थोड़ा बहुत या आप लोगों के बीच में गा लेता हूं, और हमारे मित्र श्री सुबेदार यादव की महिमा है। बड़ा पार्टी मेहनत के दोष आपके तरफ से 101 रुपया और सुंदर पुष्पहार। आप आशीर्वाद देखे हम सब बच्चे जहां अपने कलाम कामयाब रहे। ए बाबू, दुर्योधन भीम की बात नहीं सह सका, निकल पड़ा, निकल कर तुरंत
अध्यक्ष जी कहना बड़ा समय हो क्षमा किया। ए बाबू बोलो, दुर्योधन निकल कर धामराज के गले लगा, कहा भैया बतावा कैसे लड़ाई करी। हाँ हमारे हमारे चाचा जी श्री छोटेलाल यादव मुसब्बी सेब संतरा केला फल की दुकान बा, आपके तरफ से दुकान तरी बढ़िया की है, लिया ट्रैफिक का सेब संतरा ले आएगा। अच्छा कैसे भैया, नमस्ते भैया से। हे बाबू दुर्योधन कहा भैया कैसे लड़ाई करी। धर्मराज कहा आप अकेले हो, मैं पांच। कहा तू या बांधु हम से ले भाई। पहलवान घरे आते जितना जल्दी बढ़ाओ, दुई बंधु हमसे ले भाई, तीन तीन के उचित लड़ाई। कहा बराबर बराबर की लड़ाई होगी, किसे लेकर लड़ोगे। दुर्योधन कहा भाई बराबर लड़ोगे, अर्जुन भीम को मैं ले लूंगा तो तुम किसे लेकर लड़ोगे। कहा ना धीरज हो धन की लड़ाई होगी। भगवान कन्हैया सोचने लगे कि अगर कहीं दुर्योधन कह देगा कि मैं भीम को लेकर लड़ूंगा तो नहीं ठीक होगा, इसलिए राजा राजा की बात जहां आई उस समय भगवान कन्हैया बोल पड़े कि दुर्योधन तुम ठीक कह रहे हो, पांडव दल के राजा भीम हैं। ए बाबा भीम के नाम सुनते ही दुर्योधन घबरा गया कि दुर्योधन कब से राजा हो गया, भगवान कन्हैया भीम कब से राजा हो गया। भगवान कन्हैया से दुर्योधन का हे कन्हैया मैं भीम को राजा कब मानूंगा कि धर्मराज जी जा करके भीम के सामने सिर झुका लेंगे तो मैं भीम को राजा मान लूंगा। क्यों धर्मराज जब शीश झुक गया सामने जाकर के सिर झुकाएंगे तो भीम से नहीं अपन आप जर के मर जाएंगे। कहा भगवान कैसे होगा। धर्मराज जी बोल पड़े कैसे होगा। भगवान कन्हैया इशारा कर दिए धर्मराज जी से, धर्मराज आप अपना गीता उठा करके भीम को दे दो। भीम को नहीं बल्कि जाकर के गीता को प्रणाम कर ले। होता बाप गीता का खरिया में गीता का खारिया में दिहाले सवरिया रे भैया। जान गया लेकिन हो गई गदा बजिया भीम कुरपत में हो तब लड़ाई काम हो न तमाम हो। भगवान कन्हैया खड़े हैं दोनों वीर दुर्योधन भीम लड़ाई होत बा लेकिन दुर्योधन गिन नहीं रहा है। भगवान कन्हैया इशारा कर दिए के भीम इशारा क्या करते अंतिम भाव में भैया।
भैया के आदेश, इसलिए हम कितना बढ़ाई, कितना काटी, कितना बोली, कितना छोड़ी। मार दिया भीम टूटी दुर्योधन कई पजारिया, लौटी बाजा भाई आए हस्तिनापुर, लौटी आए बाजा भाई हस्तिनापुर नगरी, भीम का दवा चला वही राजा। भीम भगवान कन्हैया के इशारा पा करके मार दिया और दुर्योधन का जंघा चूर हो गया। उसी व्यास सरोवर किनारे दुर्योधन घायल गिर गया। समय के अभाव के नाते गाना लास्ट लाइन में, स्वामी गीतानंद नंद भय